पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने आउटडोर एरिया का मेकओवर कर रही हूँ, तो इसी सीरीज में मुझे ज़रूरत थी कुछ प्लांटर्स की और कुछ प्लांट्स की, तो मैं नर्सरी गई और ये सब लेकर आई। इसमें ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स थे जिनको कि हम आउटडोर एरिया में रख सकते हैं और वो अच्छे फ्लावर्स भी देते हैं। और इसी के साथ साथ जो मैंने अपने मेटल के स्टैंड्स पेंट किए हैं उनका लुक कैसा लग रहा है वो भी मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और इन सबको लगाने के बाद मेरा जो बाहर का एरिया है, घर के बाहर का एरिया, वो कैसा लग रहा है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो आप लोग हमेशा कहते हो कि मैं कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करती हूँ, तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में खास क्या है। सबसे पहली बात आती है फर्टिलाइजर्स की कि मैं कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करती हूँ। ये केवल वो मैं आपको शो कर रही हूँ जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो है लिक्विड सीवीड कंसंट्रेट फॉर प्लांट्स। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये, आप सारे ही प्लांट्स में इसे दे सकते हैं। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ता है, तो ये मैं पूरे साल इसी को ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और इसके बाद आता है जो सेकंड मेरा फर्टिलाइज़र, वो है पाम फूड के नाम से। ये पाम्स के लिए बेसिकली है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आपको पाम्स में कुछ और फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया था। इसके बाद आप देखिए, ये है मेरा लकी बैम्बू को देने वाला बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र, गुड लक बैम्बू के नाम से है ये। ये मैंने अपने एक सेपरेट वीडियो बनाया था लकी बैम्बू के ऊपर, उसमें मैंने शेयर किया था। जैसे देखिए, ये मेरा लकी बैम्बू है बड़ा वाला, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है, और इतनी विंटर्स भी निकल गई और इसको कोई भी असर इसके ऊपर विंटर्स का नहीं आया। बस हल्का सा मैं इसके ऊपर इसे स्प्रे कर देती हूँ और इसके अलावा रेगुलर इंटरवल्स पे मैं इसका पानी चेंज करती हूँ। अब जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है वो है स्टिक्स की फॉर्म में, और ग्रीन स्टिक्स होती हैं पत्तियों वाले पौधों के लिए और ब्लू स्टिक्स हैं फूलों वाले पौधों के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, खासकर उन लोगों के लिए जो थोड़े से गार्डनिंग में बिगनर्स हैं। ये लेज़ी गार्डनर्स की तरफ से है, आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं इनको। ये मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो में ही देखा था, तब भी मैंने मंगाए थे और इनके रिज़ल्ट अच्छे आए थे, इससे आज मैं आपके साथ इनको शेयर कर रही हूँ। तो ये बेसिकली देखिए, इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। मैंने लिया पॉट और इसमें मेज़रमेंट के साइन बने रहते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। सबसे पहले हमें अपने पॉट का साइज़ चेक करना है कि कितने इंच का साइज़ है। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने अपने पॉट का साइज़ चेक किया, 4 इंच का मेरा प्लांटर है ये, और इसमें गीली मिट्टी में हमें ये स्टिक्स अंदर तक डाल के लगा देनी है। और अब 1-2 महीने के लिए आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपको कोई फर्टिलाइज़र इसे देना है। आपके साथ रेगुलर इस प्लांट को मैं शेयर करूंगी कि इसकी ग्रोथ क्या चल रही है। और इसी तरीके से जो मेरे छोटे एरेका पाम, ये छोटे डाफ पाम्स हैं, इसमें भी मैंने ये स्टिक्स बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दी हैं। और अब देखते हैं इसके रिजल्ट क्या आएंगे। तो वैसे भी फर्टिलाइज़र तो पौधे को रेगुलर देना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें देखिए, नेक्स्ट जो मेरा जो है वो है DAP फर्टिलाइज़र। ये जब मैं मिट्टी बनाती हूँ तब भी मिला देती हूँ, और उसके बाद कुछ दाने में रेगुलर इंटरवल्स पे डालती हूँ। कैसे यूज़ करती हूँ किसी वीडियो में शेयर करूँगी। उसके बाद आती है NPK, जो कि अलग अलग मेज़रमेंट की आती है। जैसे ये है 20-20-20 की, मेरे पास 19-19-19 और 16-16-16 की भी है, होती है शायद, हाँ वो भी रहती है मेरे पास। और ये है एक DIY फर्टिलाइज़र जो कि मैंने बनाया है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, बहुत अच्छी मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। आपके साथ जब ये ख़त्म हो जाएगा दोबारा बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। और ये है यूरिया। तो ये इन फर्टिलाइज़र्स के अलावा मैं यूज़ करती हूँ वर्मी कंपोस्ट होती है, नीम खली होती है, नीम ऑयल भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करी हुई हैं। अब क्योंकि फरवरी का महीना है, बसंत आ रहा है, पौधों में ग्रोथ हो रही है, तो हमें पौधों की मिट्टी भी चेंज करनी है जो ख़राब हो गए हमारे पौधे। तो जो मेरे पौधे ख़राब हो गए थे उन सबकी पहले गमलों को खाली किया, और गमलों को खाली करने के बाद नई मिट्टी मैंने तैयार करी जो कि आपके साथ शेयर करूंगी मैं।
और उस मिट्टी से मैंने तैयार कर ली अपने सारे पौधे, और फिर मैं पहुंची नर्सरी जो मुझे सामान लेना था। अब जैसे देखिए ये कुछ पॉट्स हैं, कुछ प्लांटर्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लेने थे, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लांटर्स हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। कई बार मेरा मन किया बट मैंने कहा चलो बहुत सारे प्लांटर्स हैं, 450 रुपीज़ का मुझे ये पड़ रहा था, दोनों कलर बहुत अच्छे थे। वैसे भी अगर आप कुछ एक ही प्लांटर इस तरह का रख देते हैं ना तो आउटडोर एरिया बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी जो सेरेमिक के पॉट्स होते हैं वो काफ़ी दिनों तक चलते हैं। और जो ये फेस वाला था ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मैंने खरीदी कुछ ये प्लास्टिक की हैंगिंग बास्केट जो कि मेरे पास पहले भी थी, जिसमें मैंने अपने छत पे जो है पिटूनिया की बना रखी हैं, आपके साथ शेयर करी थी। तो ये कुछ अलग अलग कलर्स में मैं लेकर आई लोकल उसी नर्सरी से, और ये मुझे 100 रुपये की एक बास्केट पड़ी। और इसमें मैंने थोड़े से अच्छे कलर लिए, ब्राइट कलर्स लिए, ताकि हरे पौधों में ये कलर्स बहुत ही अच्छे लगें। तो जब इसमें हम हरे हरे पौधे लगाएंगे तो ये ब्राइट कलर की बास्केट बहुत अच्छी लगेंगी। अब बारी आती है प्लांट्स की, जो कि मैंने नए प्लांट्स खरीदे, तो उन प्लांट्स में सबसे पहले लिया मैंने बोगेनविलिया का प्लांट। बहुत ही अच्छा मेरा फेवरेट प्लांट है ये, अलग अलग कलर्स के इसमें फूल खिलते हैं। तो ये एरिया देखिए मेरे घर का सबसे बाहर का एरिया है, तो यहाँ रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग के बाहर मैंने कुछ प्लांटर्स रख दिए हैं जिसमें बहुत धूप आती है, तो धूप में बोगेनविलिया बहुत अच्छा चलेगा। तो मैंने यहाँ पे बोगेनविलिया लगा दिया, और एक छोटा वाला पॉट में मैं कनेर का पौधा भी लेकर आई जो मैंने अभी अंदर रखा है, और बाहर लगा हुआ है ये कनेर का पौधा। अभी तक इसमें फूल नहीं आए हैं, देखते हैं इस बार इसमें किस कलर के फ्लावर्स निकलेंगे। तो बोगेनविलिया के बाद और कनेर के बाद जो नेक्स्ट प्लांट था जो मैं बाहर रखूंगी वो था नोलिना पाम का, या इसे पोनीटेल पाम भी बोलते हैं। बिल्कुल बाउंड्री वॉल पे मैंने इसको रख दिया, और देखिए ये इतना खूबसूरत लगता है कि इसमें आपको कोई केयर नहीं करनी है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी भी इसको नहीं चाहिए, बस आपको इसको बस देखते रहिए, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये बिल्कुल बाहर का एरिया मेरे घर का था। और जब आप बरामदे की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें उसके लिए मैंने लिए कुछ गुड़हल के पौधे, तो मैंने करीब 7-8 पौधे गुड़हल के लिए, पहले भी मेरे पास हैं वो अभी चल रहे हैं। तो देखिए ये वही मेटल प्लांटर्स हैं जो कि मिंट ग्रीन कलर से कलर हुए हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बाहर की तरफ रख दिए हैं कुछ गुड़हल के पौधे लगाकर इसमें, तो जब इसमें यहाँ पे धूप भी आती है और फूलों वाले पौधों को एक अच्छी धूप चाहिए, तो उसकी वजह से यहाँ जो अलग अलग रंग के ये गुड़हल रहेंगे तो ये बहुत अच्छा ब्लूम करेंगे और बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये बिल्कुल मैंने आउटडोर की तरफ रखे जहाँ पे अच्छी धूप आए, और अभी तो खिलने पे पता चलेगा कि किस किस कलर के वो हैं, वैसे तो मैंने अलग अलग कलर के ही लिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट था मेरा वन ऑफ द फेवरेट वो है रबर प्लांट, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं, तो ये समर्स में बहुत ही अच्छी सी ग्रीनरी देता है, इंडोर भी है, आउटडोर प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। और देखिए ये वही हट शेप वाला मेटल का स्टैंड है, इसमें मैंने क्रोटन रखा, मनी प्लांट रखा है, ये डीकुपेज से मैंने बनाया है ये प्लांटर, और इसमें मैंने कुछ गुड़हल के पौधे भी रखे हैं, और ये प्लांटर बहुत ही सुंदर लग रहा है, और वाइट तो बहुत बोरिंग लग रहा था। तो अगर आपके पास मेटल प्लांटर हैं तो उन्हें कुछ खिलते हुए रंगों से, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रंग हैं, किसी खिलते हुए रंग से उन्हें पेंट कर लीजिएगा तो उनकी खूबसूरती 10 गुनी हो जाएगी, तो इसकी तो 100 गुनी बढ़ गई। तो ये देखिए मेरा पुराना वाला रबर प्लांट है, बढ़िया तरह से चल रहा है, और ये है मेरा नया रबर प्लांट जो मैं लेकर आई हूँ, और इसके साथ ही रखा हुआ एक मेरा बीमार पौधा, थोड़ा सा उसको अवॉइड करिएगा। और अब आते हैं चलिए क्रोटन की तरफ। क्रोटन भी बहुत अच्छा पौधा है, एक तो इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मुझे अच्छा लगता है, हाँ इसको केयर चाहिए, और ये इंडोर है, इसे मैंने बरामदे में थोड़ा अंदर की तरफ रखा, और ये मैंने रखा है अपने साइकिल वाले मेटल प्लांटर में। और इसके साथ साथ मैं ये दो पाम भी लेकर आई हूँ, तो ये दो पाम के पौधे हैं, और एक है मेरा इसमें क्रोटन जो कि मैंने अपने जो ये मेटल का स्टैंड है जो कि अगेन कलर होने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है उसी में लगा दिए हैं। अभी मेरी बालकनी का काम चल रहा है, आउटडोर का सॉरी काम चल रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके साथ शेयर करूंगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये देखिए ये भी कलर होने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं ये प्लांटर। और ये है देखिए नेक्स्ट प्लांट जो मैं लेकर आई, और ये है फाइकस की एक वैरायटी, मुझे उसने बताई थी नर्सरी वाले ने, ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, अभी तक मैंने ये प्लांट नहीं लिया था, तो देखते हैं ये कैसा चलेगा। इसको भी मैंने बिल्कुल आउटडोर में ही रखा है क्योंकि जो फाइकस के प्लांट्स हैं वो धूप में बहुत बढ़िया तरह से चलते हैं, तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है।
इसके अलावा मेरे जो कुछ बीमार पौधे हैं, जो बीमार अरेका पाम वगैरह हैं, वो मैंने रखे अपने किचन की खिड़की के आगे। मैंने वही एक मेटल प्लांटर रखा है और उसमें रख दिए हैं, क्योंकि इनको मुझे थोड़ा सा सही करना है। यहाँ सारे वही पौधे हैं और इसके साथ साथ देखिए ये वही कप हैं जिसमें कि होल करना मैंने आपको बताया था, वीडियो ज़रूर चेक करिएगा। अच्छी तरह से इसमें भी प्लांट्स चल रहे हैं, तो इन प्लांट्स को भी सही करूँगी और आपसे शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।